हालेलुया सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यसु का संदेश में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे होंगे। ये मेरा चैनल परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। बाइबल से वचनों को हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आपको ये वचन अच्छे लगे तो इनको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम भजन संहिता से पढ़ने जा रहे हैं, उसका पहला भाग और पहला अध्याय। ये वचन आपके जीवनों में कार्य करे और 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचनों पर चलेंगे तो हमें परमेश्वर हमें अच्छा और चंगा रखेंगे। हालेलुया। आशा करते हो कि आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे। चलिए हम अपने वचनों को पढ़ते हैं। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का अभिषिक्त राज्य, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बात करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उन पर है। आमीन। आशा करती हूँ कि आपने इन वचनों को ध्यान से सुना होगा। ये वचन सुनिए, ये वचन आपके घर के आपके शरीर के हर एक कष्ट और दुखों को दूर करेंगे और आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें आज का ये सुंदर समय दिया ताकि हम उसके वचनों को पढ़ सके। अगर आपके ये वचन अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह।